दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर बतराज। आपके सारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को जड़ से दूर करते हैं, आज ही कंसल्ट करें। रखे आपके घर का ख्याल सालों साल। आचार्य प्लस इम्पावरिंग एजुकेशन, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, मैट्स यूनिवर्सिटी, रेडी फॉर लाइफ और अनुपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, सदर बाजार रायपुर। संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी मीडिया सेंटर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने बताया बीजेपी का विजन 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। दुर्ग में बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी, सीएम विष्णुदेव साय ने कराया पार्टी में शामिल, अहिवारा नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं सीमा बघेल। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पर पुलिस की जांच, सारे कार्यक्रम रद्द। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पर पुलिस की जांच, सारे कार्यक्रम रद्द, घर लौटे कमलनाथ, पीए आर के मिगलानी की हो सकती है गिरफ्तारी। नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पर पुलिस की जांच, सारे कार्यक्रम रद्द कर घर लौटे कमलनाथ, पीए आर के मिगलानी की हो सकती है गिरफ्तारी। कमलनाथ के पीए पर बीजेपी प्रत्याशी का कथित वीडियो वायरल करने का आरोप, इसी सिलसिले में हुई कार्रवाई। कमलनाथ के घर छापेमारी, चुनाव को लेकर मिल रही थी शिकायतें, कमलनाथ नकुलनाथ ने बनाई मीडिया से दूरी। नकुलनाथ ने भी सारे कार्यक्रम किए रद्द, शिकारपुर स्थित घर पहुंचे नकुलनाथ। कमलनाथ ने नीलेश उइको को लेकर किया ट्वीट, बोले बीजेपी लगातार कांग्रेस नेताओं पर डाल रही है दबाव, जो दबाव में नहीं आता उस पर छापेमारी होती है, नीलेश उइके के यहां हुई थी छापेमारी। मिशन साउथ में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केरल में चुनावी सभा को किया संबोधित, बोले प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बनाएंगे ग्लोबल। चुनावी प्रचार में जुटे पीएम मोदी, दो राज्यों के दौरे पर पीएम, केरल में की दो रैलियां, शाम को तमिलनाडु जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से केरल के दौरे पर रहेंगे, वायनाड में जनसभा को करेंगे संबोधित, शाम को उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की रैली को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का आज त्रिपुरा दौरा, अगरतला की जनता को लेकर को करेंगे संबोधित, इसके बाद मणिपुर के इंफाल में भी करेंगे चुनावी रैली, शाम में जयपुर जाकर करेंगे रोड शो। 16 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा, फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार छिंदवाड़ा तक होगा अंबेगा रोड शो। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन छतरपुर माँ कात्यायनी देवी मंदिर में सुबह की आरती की गई, मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में दो मंजिला मकान गिरा, फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग बचाव अभियान में जुटे, प्रशासन एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद, अब तक 18 लोगों को निकाला जा चुका है जिसमें से दो की हुई है मौत। जम्मू में राजनाथ सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले आप नवरात्रि में मछली खा रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप जो चाहे खा सकते हैं लेकिन इसे दिखाने की क्या जरूरत है, ये केवल वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति। आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे भगवंत मान, शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है केजरीवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया, बोले हमने अभी उनका घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, वैसे भी उनके घोषणा पत्र से जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को कहा संकल्प पत्र, मिलिंद देवड़ा बोले बीजेपी एनडीए का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है, घोषणा पत्र में जो कहा जाता है वो किया जाता है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। नेपाल के भक्तपुर में सिंदूर यात्रा उत्सव धूमधाम से मनाया गया, उत्सव में उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली में चैती छठ पूजा के अवसर पर भक्तों ने कालिंदी कुंज घाट पर सूर्य को दिया अर्घ, बड़ी संख्या में महिलाओं ने की पूजा अर्चना।
ईरान का इसराइल पर हमले के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला, एयर इंडिया ने इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स को किया रद्द। एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश, के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत में जाने से पहले बीआरएस नेता की कविता ने कहा, ये सीबीआई की हिरासत नहीं है, ये बीजेपी की हिरासत है, बीजेपी बाहर जो बोल रही है अंदर से सीबीआई वही पूछ रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस वार्ता, इस दौरान सीएम योगी ने कहा, युवा, महिला, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता, सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा, हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, मां ज्वाला देवी से प्रार्थना है कि पर्यटन और तीर्थ की ये अनुपम धारा उन्नति के नए आयाम स्थापित करती रहे। मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने पीएम मोदी से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह सिर्फ संकल्प पत्र नहीं है बल्कि ये पीएम मोदी की गारंटी, ये संकल्प पत्र बताता है कि इसके बाद मोदी सरकार की वापसी होगी। इस संकल्प पत्र में महिलाओं, गरीबों और समाज के सभी वर्गों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल है। विश्वास सारंग ने किया जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार, बोले, मोदी की गारंटी ही गारंटी है, कांग्रेस जनता से मिलकर करे पता, जीतू पटवारी ने संकल्प पत्र पर झूठी गारंटी का दिया था बयान। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए गुड न्यूज, आज से शुरू हो रहा रजिस्ट्रेशन, इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से हो रही है शुरू। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपने खिलाफ कांग्रेस द्वारा कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, हाईकोर्ट के गिरफ्तारी और रिमांड वाले फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सतना की जनता को करेंगी संबोधित, कांग्रेस के पक्ष में करेंगी चुनाव प्रचार। सीएम योगी आज बिहार में भरेंगे चुनावी हुंकार, स्टार प्रचारक के तौर पर नवादा हिसुआ में करेंगे चुनावी रैली, इसके बाद औरंगाबाद के देव में बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। अखिलेश के गढ़ में बीजेपी का यादव कार्ड, आज फिर यूपी दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के नामांकन में होंगे शामिल। धार के भोजशाला में हिंदू पक्ष का दावा, एसआई के सर्वे के दौरान दरगाह परिसर के नीचे मिला तलघर, कई लिपियों की लिखावट और चित्र भी पाए गए। मोदी की गारंटी को लेकर भोपाल में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद, सीएम बोले, एमपी सरकार भी पीएम के संकल्पों को करेगी पूरा। वीडी शर्मा बोले, अगले 10 सालों में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला पत्र है हमारा संकल्प पत्र, 2047 तक विकसित बनेगा भारत। संकल्प पत्र को लेकर वीडी शर्मा ने कहा, संकल्प पत्र के लिए मध्य प्रदेश से 26,000 लोगों ने दिए सुझाव। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राजगढ़, ग्वालियर और यूपी के मैनपुरी में करेंगे चुनावी दौरा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा, गुना और राजगढ़ जिले के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली और सभा। सिंगरौली में स्कूल बना चिकन पार्टी का अड्डा, हेडमास्टर और टीचर्स पार्टी करते आ रहे नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मंदसौर के गरोट में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, बदमाशों ने खेत पर सो रहे किसान का सिर तन से किया अलग, वारदात के बाद शव को जमीन में किया दफन, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। खजुराहो से अब इंडिया गठबंधन फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया को देगा समर्थन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा, राजा भैया का नाम तय कर लिया गया है। उज्जैन में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश, डिलीवरी बॉय के नाम से करते थे लोगों से ठगी, साइबर टीम ने आरोपियों के घर पर दबिश देकर 25 से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन किए बरामद। ग्वालियर से शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, बहुओं ने अपनी सास को लाठी डंडों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, बेटे ने मारपीट के लिए
बहुओं को उकसाया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में। धार की भोजशाला सर्वे का आज 25वां दिन है। एसआई की टीम के साथ 20 मजदूरों ने किया विवादित इमारत में प्रवेश। 22 मार्च से शुरू हुआ था सर्वे का काम। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रभु श्री राम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, श्री राम के जयकारों के साथ गूंजा पूरा शहर, बजरंग सेना ने किया था आयोजन। अंबिकापुर में देर रात सड़क हादसे में क्रेशर मालिक की हुई मौत, हादसे में कार हुई चकनाचूर, परिजन ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में कांग्रेस नेताओं ने किया संवाद कार्यक्रम का आयोजन, बैठक में टीएस सिंहदेव ने बागी कांग्रेसियों पर की टिप्पणी, बोले पार्टी को धोखा देकर दल बदल करना स्वच्छ राजनीति का हिस्सा नहीं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह समेत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान आया, चंद्राकर ने कहा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का अभाव है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में समाज के किसी वर्ग को राहत नहीं, बीजेपी ने घोषणा पत्र में सभी वर्गों का रखा है ध्यान। महादेव ऐप बंद करने के सवाल पर अजय चंद्राकर का बयान, महादेव ऐप का बंद होना या नहीं होना कोई विषय नहीं है, ऐप बंद हुआ तो किसी और के नाम से चल जाएगा, एजेंसियों के कार्रवाई से ये तय है, कांग्रेस के लोग ही जेल में। नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने अचानक ही बाघों का एक झुंड आया सामने, चार टाइगर को एक साथ देख पर्यटक रोमांचित हुए। मुरैना में चीते ने बकरी को बनाया शिकार, फिर झाड़ियों में जमाया डेरा, लोगों में दहशत का माहौल, रास्ते से गुजर रहे युवक ने बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश आएंगे अखिलेश यादव, यादव वोट बैंक को साधने की करेंगे कोशिश, इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सपा अध्यक्ष, गुना लोकसभा सीट से यादवेंद्र सिंह यादव के लिए करेंगे प्रचार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक के लिए मांगेंगे वोट। भिंड जिले में आरक्षक के साथ मारपीट, आरक्षक की फाड़ी गई वर्दी, अर्धनग्न हालत में थाने में लेकर आई पुलिस, पुलिस आरक्षक जितेंद्र गर्ग भोपाल से डाक लेकर आया था भिंड, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। आगामी चुनाव के लिए एक्शन मोड में सीएम विष्णुदेव साय, आज दो नामांकन रैली में होंगे शामिल, दुर्ग में प्रत्याशी विजय बघेल का करेंगे समर्थन, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। पांडुर्णा विधायक नीलेश उइके के घर पर डीएसपी छिंदवाड़ा, मोखेड़ पुलिस लावा घोगरी पुलिस आबकारी जिला टीम की रेड, कुछ भी नहीं मिलने पर वापस गए सभी पुलिस अधिकारी। बैतूल में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद को ग्रामीण ने जमकर खरी खोटी सुनाई, ग्रामीण ने पूछा कि सांसद जी 5 साल तक कहां थे, ग्रामीण बोले हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ग्वालियर में देर रात सड़कों पर उतरी पुलिस की महिला सेल, खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, डीएसपी किरण अहिरवार और सीएसपी हिना खान सड़कों पर निकली। जांजगीर से लगे खोखरा गांव के मंदिर में नवरात्रि की धूम, मंदिर परिसर में 9 दिनों का लगा है मेला, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मतदान अभियान को सफल बनाने के लिए दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मतदान को लेकर मंगाए संदेश, चुने गए हर मतदान संदेश को मिलेगा 2,500 रुपए का पुरस्कार। बैगा बालिकाओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, राष्ट्रपति को भेंट की गोल्डिंग पेंटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के प्रचार में दंतेवाड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, आम सभा को करेंगे संबोधित, कांग्रेस के स्टार प्रचारक है कन्हैया कुमार और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में मांगेंगे वोट। दुर्ग में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने जमा किया नामांकन, नामांकन से पूर्व आम सभा का आयोजन, आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मौजूद। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में घटना के करीब 1 महीने बाद वीडियो आया सामने, जिसमें देवरानी और जेठानी ने मिलकर अपनी सास को लाठी डंडों और पत्थरों से पीटती दिखाई दी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस की टीम, चुनाव को लेकर मिल रही थी शिकायतें, पुलिस की टीम कर रही जांच। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर पहुंचकर मीडिया से चर्चा की, इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता की अदालत में शीश झुकाकर उनसे लिया आशीर्वाद।
सिंगरौली में पांचवें दिन भी सोन नदी में बहे हुए युवक का नहीं मिला कोई सुराग। पांच दिन पहले नाबालिग युवक ने सोन नदी में लगाई थी छलांग। एनडीआरएफ बनारस की टीम, एसडीआरएफ सहित जिला होमगार्ड की टीम कर रही है लगातार रेस्क्यू। अब तक नहीं मिल पाया नाबालिग का शव। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया। बृजमोहन अग्रवाल ने जमा किया अपना नामांकन फॉर्म। युवा कांग्रेस के नेता जयेश तिवारी बीजेपी में शामिल। युवा कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं के साथ बीजेपी में किया प्रवेश। बृजमोहन अग्रवाल ने करवाया बीजेपी में प्रवेश। आज सोने के दामों में 413 रुपए की गिरावट। 73,174 में बिक रहा 10 ग्राम गोल्ड। देखिए जंगों से के दौरान कैसी रही है सोने की चाल। लोकसभा चुनावों के पहले बढ़ गई थोक महंगाई। मार्च में WPI 0.53% पर पहुंचा। पूरे देश में 17 अप्रैल को रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर बैंकों में रहेगी छुट्टी लेकिन मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पर कोई असर नहीं। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट। ये 73,700 के स्तर पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा टूटा। बायजूस इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया। फाउंडर रविंद्रन संभालेंगे जिम्मेदारी। बिजनेस को 3 डिवीजन में रीऑर्गेनाइज करेगी कंपनी। ईरान इजराइल टकराव से बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दुनिया के 20% तेल सप्लाई रूट पर ईरानी मिसाइलें तैनात। तनाव के चलते क्रूड 15% महंगा। एयरटेल का मार्केट कैप एक हफ्ते में 19,029 करोड़ बढ़ा। टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 59,404 करोड़ बढ़ी। HDFC की 23,170 करोड़ कम हुई। भारत आने से पहले एलन मस्क ने की बड़ी डील। टेस्ला की कार में लगेंगे टाटा के चिप। भारत दौरे पर आएंगे एलन मस्क। आनंद महिंद्रा को इजराइल ईरान जंग में भाग गया आयरन क्लेड डिफेंस सिस्टम। महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा भारत को भी हमला करने वाले शस्त्रों के साथ ही आयरन क्लेड डिफेंस जैसे सिस्टम को विकसित करना होगा। TCS के नेट प्रॉफिट में हुई बढ़ोतरी। 12,434 करोड़ का हुआ सालाना नेट प्रॉफिट। 9% की आई वृद्धि। 2 दिन के भारत दौरे पर है एलन मस्क। पीएम मोदी ने मस्क से मिलने को लेकर जताई खुशी। टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कर सकते हैं ऐलान। 18 अप्रैल को ओपन होगा वोडाफोन आइडिया का FPO। 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,278 रुपए। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। एक हफ्ते में 100 करोड़ से ऊपर का किया कलेक्शन। लोगों को अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जुगलबंदी खूब आ रही पसंद। फिल्म गुलाबी की शूटिंग हुई शुरू। हुमा कुरैशी लीड रोल में आएंगी नजर। ऑटो ड्राइवर की निभाएंगी भूमिका। बड़े लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं हुमा कुरैशी। अपने नन्हे तैमूर के साथ नजर आई करीना कपूर खान। रविवार को दोनों IPL मैच देखने पहुंचे थे। घर वापसी के समय पैप्स ने किया स्पॉट। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग पर आया बड़ा अपडेट। फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों का वीडियो CCTV में कैद। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। पैप्स ने चुपके से बनाया मलाइका अरोरा का वीडियो। फैंस ने पैपराजी को लगाई लताड़। कमेंट्स पर नेटिजंस बोले कुड। कृति सेनन और रणवीर सिंह का दिखा डेजलिंग अंदाज। बनारसी साड़ी और ट्रेपेस्टी ऑफ इंडियन कल्चर एंड क्राफ्ट्समैन विषय पर आयोजित फैशन शो में लिया हिस्सा। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया था शो डिजाइन। टीवी के मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने किया बड़ा खुलासा। डिप्रेशन का शिकार रह चुकी अंकिता बोली फैमिली की वजह से आज मैं खुद को कर पाई रिकवर। एक्टर रणवीर सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पर जताई खुशी। बोले यहाँ आकर अलग ही खुशी महसूस हुई। शब्दों में नहीं कर सकता बयान। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने जताई खुशी। बोले वाराणसी आना अच्छा लगता है। यहाँ आकर शांति मिलती है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ईरान से स्थिति को सामान्य करने का किया आह्वान और कहा हम ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहते लेकिन रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच पूर्वी एशिया के लिए अमेरिका के शीर्ष राजनयिक चीन का दौरा करेंगे।
ईरान ने इसराइल पर दागे दर्जनों मिसाइल और ड्रोन, बचाव में उतरा अमेरिका, ईरानी हमले को रास्ते में ही किया नाकाम। पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने की जताई इच्छा। इंटरव्यू के दौरान बोली, हिटमैन को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए दांव पर लगा सकती हैं अपनी जान। आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत की हासिल, मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हराया। टीम चेन्नई मुंबई मुकाबले में सीएसके ने बदली अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशन, रचिन रविंद्र के साथ अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने मैदान में उतरे। रोहित शर्मा का शतक भी टीम मुंबई को नहीं दिला पाया जीत, अपने ही होम ग्राउंड में करना पड़ा हार का सामना। रोहित शर्मा 63 बॉल पर 105 रन बनाकर रहे नॉट आउट। आईपीएल में आज रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से, चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, दोनों टीमों के बीच टक्कर का मुकाबला। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा पर आया अपडेट, करण जौहर ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी, जानवी कपूर का है तेलुगु फिल्म में डेब्यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।